टेम्परेचर अराउंड -45 हाँ। हमारी लंग्स यूज्ड टू नहीं है इस ठंड से। ओमिक्रॉन में बहुत ठंड होने वाली है, इससे ज्यादा ओमिक्रॉन में होने वाली है। अकुदा इंडिया इंडिया दा 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 क्योंकि फोन का नेटवर्क तो है नहीं, तो काफी डेंजरस है, काफी लोग की यहाँ डेथ हो चुकी है। ये ज़किया गवर्नर शाह डू स्पीक इन हिंदी। ओ माय गॉड, टायर पंचर। उनकी गाड़ी खराब हो गई, फिर कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो गूगल मैप्स ने ये रास्ता दिखाना बंद कर दिया। रशियन एप्लीकेशन में -50 के ऊपर दिखा रहा है। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोर वशु। अभी मैं हूँ वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट सिटी याकूस में, जो कि रशिया के साखर रिपब्लिक में आता है। अभी हम साखर रिपब्लिक में ही है और आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। अभी मैं यूजीन के साथ हूँ, उलान बातर, दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी। याकूस्त दुनिया का सबसे ठंडा शहर। जहाँ मैं जा रहा हूँ ओमियाकॉन, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वो है दुनिया की सबसे ठंडी रहने वाली जगह या दुनिया की सबसे ठंडी सेटलमेंट जहाँ पर लोग रहते हैं। वो शहर नहीं है, वो कैपिटल नहीं है, वो एक छोटा टाउन है, विलेज है। तो तीनों में ये डिफरेंस है, सबसे ठंडा ओमियाकॉन, फिर याकूस, फिर उलान बातर। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे की मेरी शेयरिंग टैक्सी है ओमियाकॉन के लिए। मैं आज पहली बार रशिया में बहुत ही लंबी रोड जर्नी करने वाला हूँ और आज इस बार हम लोग ड्राइव करने वाले हैं कोलिमा हाईवे पे, जिसको रोड ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। इसकी लेंथ 2000 किलोमीटर है। ये याकूस से शुरू हुई है और गई है मगादान तक, रशिया के ऑलमोस्ट एंड तक, कॉर्नर तक। तो मैं पूरा 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ। अब मैं जहाँ निकल रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से ओमियाकॉन जाऊँगा और ओमियाकॉन इस हाईवे पर नहीं पड़ता है, ओमियाकॉन इस हाईवे से थोड़ा 200 किलोमीटर अंदर पड़ता है, यानी कि 2000 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करने वाला हूँ। ओमियाकॉन 200 वापस भी आना, और मेरी एक हफ्ते बाद फ्लाइट है। मेरे को एक हफ्ते के अंदर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलते। मेरे लगा इसलिए ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा मगादान तक जाने का, लेकिन यार ट्रांसपोर्ट हर दिन नहीं चल रहा है। सोचा था मैं ओमियाकॉन में 1-2 दिन रुकूंगा, लेकिन जहाँ मैं रुकने वाला हूँ बोल रहे हैं भाई कम से कम 3 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट मिलेगा। थोड़ा चैलेंज है मेरे को, टाइम से पहुँचना पड़ेगा मगादान। तो यहाँ से ओमियाकॉन लगभग 1000 किलोमीटर है, तो लगभग 20-24 घंटे लगने वाले हैं बाई रोड ओमियाकॉन पहुँचने में। फिर ओमियाकॉन से मगादान 1400 किलोमीटर है, फिर उसके बाद मेरे को वो कवर करना है पूरा रोड ऑफ बोन्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस हाईवेज है पूरे वर्ल्ड का। ये कोलिमा हाईवे का रोड ऑफ बोन्स का ईस्टर्न एंड है मगादान और वेस्टर्न एंड है निज़ने बेस्तिया, या याकूस भी बोल सकते हो, दोनों नेबरिंग टाउन है, एक रिवर की इधर एक रिवर की उधर। तो आज मैं पूरी दुनिया की सबसे ठंडी सेटलमेंट जाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड -45 हो रहा है याकूस में, ओमियाकॉन में अराउंड -50 के अराउंड रहेगा। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मैंने ऑलरेडी खरीद लिया हूँ सुपर मार्केट से, बाकी फिर वहाँ देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो गाइस, अभी मैं याकूस में एक हॉस्टल में आया हुआ हूँ और मेरे को भुवानी भाई मिले हैं। हेलो हेलो भाई, हम इसे बहुत लोग जानते होंगे, और विष्णु भाई मिले हैं। कैसे हो भाई लोग? हम लोग मंगोलिया में भी मिले थे, लेकिन वीडियो तो बना नहीं पाए साथ में। हम तीनों भी मिले थे मंगोलिया में, फाइनली यहाँ दोबारा मिले हैं याकूस में। टैक्सी बाहर वेट कर रही है ओमियाकॉन के लिए। भुवानी नहीं आ रहा हमारे साथ? ओमियाकॉन यू नॉट आई एम नॉट कमिंग, आई बीन ऑलरेडी ना यू गो मल्टीपल टाइम्स। ओके ब्रो, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ब्रो। ओके ब्रो, मैं विष्णु भाई जा रहे हैं साथ में, विष्णु भाई को लेके जा रहे हैं। हाँ भाई, साथ में ट्रैवल करते हैं सब कुछ। ओ भाई, टेम्परेचर अराउंड -45 हाँ। भाई आराम से, भाई आराम से, लगता गया मेरा। जब आप निकलते हो और निकलने के बाद खांसी हो रही है, हाँ समझ जाओ कि भाई कितनी ठंड है। खांसी तो हो रही है भाई, हमारी लंग्स यूज्ड टू नहीं है इस ठंड से। गूगल वेदर ऐप पे टेम्परेचर -45 दिखा रहा है, बट लोकल रशियन ऐप में -50 दिखा रहा है। ओमियाकॉन में बहुत ठंड होने वाली है, इससे ज्यादा ओमियाकॉन में होने वाली है। त्रिवियत कक दिला नॉर्मल खराशो। ये भाई हमारे ड्राइवर साहब है जो जा रहे हैं, ये कार है जिससे ओमियाकॉन हम लोग जा रहे हैं, शेयरिंग टैक्सी है। ऊपर देखो पूरा ऊपर लगेज रखा हुआ है, अफ्रीका की याद आ गई यहाँ पे। ओ पूरी लाइटिंग लगी हुई है ऊपर तो, यहाँ पे बहुत ठंड है भाई, बिना ग्लव्स के हुई यार हाथ फ्रीज होने लगा है। यहाँ पे रशियन बाबुश्का भी है। ओ आया तो खुदा, ही कैन पुट हियर। ओके यू हैव अ रेस्ट। बड़ा बैग तो ऊपर रखवा दे रहा हूँ, बारिश तो होनी नहीं है, बारिश होगी तो बर्फ गिरेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ खराब होने का। ओरे बैग रखो भाई ऊपर। ओ इट्स वेरी 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 कोल्ड। या यू कैन गो इनसाइड। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, बाय। या बाय। ओके या लेट्स गो, कम इंडिया सून। वन डे इंडिया, आजा 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 आजा। इट्स वन डे, या वी विल रिमेन इन टच, वन डे यू कम इंडिया वेरी सून। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, सी मी, बाय बाय टू तान्या, बाय बाय। या सो लेट्स गो।
मेरी कुछ हाथ जम गए भाई, भाई कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा ही है तो लाइट में तो बैठ गए हैं, मैं आगे बैठा हूँ, अभी अभी ड्राइवर साहब आया नहीं है, पीछे कुछ पैसेंजर और भी है रास्ते में, हेलो प्रीवियत, पीछे भी कुछ लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, 1000 किलोमीटर के लिए 24 घंटे की जर्नी, कहीं भी 1000 किलोमीटर नहीं करा मैं भाई, अफ्रीका में क्या क्या किया हूँ मैं ही जानता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। यू आर फ्रॉम याकूतिया, याकूस गोइंग ओमिया कौन फॉर ट्रेवल, यू लिव इन ओमिया कौन, ओके ओके ओके, कुदा याकूस ओमिया कौन, ओमियाकॉन, ओके तो सारे पैसेंजर यहाँ पे ओमियाकॉन के ही है, हम ही तुम भाई टूरिस्ट हैं, अच्छा बाकी सब लोकल से ओमियाकॉन के, खराशो खराशो हथकुदा इंडिया इंडिया दा 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 जिमी जिमी तो हमारी ओमियाकॉन की 1000 किलोमीटर की जर्नी ऑन द रोड ऑफ बोन्स अब याकूस से शुरू होती है। रसविदानिया याकूस, पाका पाका याकूस, अभी हम लोग लेना रिवर के ऊपर हैं, फ्रोजन रिवर के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, लेना रिवर क्रॉस करने के बाद आएगा निज़्नी बेस्तियाक, वहाँ से शुरू होगी हमारी रोड ऑफ बोन्स। तो ये पूरी रिवर है जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, फ्रोजन रिवर, इन्होंने टेम्प्रेरी कुछ सिग्नल भी लगा दिया है जो लाइट वाला होता है, रेडियम वाला वैसा कुछ रिफ्लेक्टर जो है। वर्ल्ड 11th लॉन्गेस्ट रिवर लेना रिवर क्रॉस करने के बाद हम लोग याकूस से पहुंच चुके हैं निज़्नी बेस्तियाक, लेना रिवर के ईस्ट बैंक पे है निज़्नी बेस्तियाक जहाँ पर अभी हम लोग हैं, लेना रिवर के वेस्ट बैंक पे है याकूस, और अभी मैं सुपर मार्केट में रुका हुआ हूँ, खाने पीने का सामान ले लिया लेकिन वाटर खरीदना भूल गया, रात के ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। बिजगास भाई दो पानी ले लिया अपने लिए, विष्णु भाई के लिए, रात भर काम चल जाएगा, मॉर्निंग में फिर जो होगा देखेंगे। 1.5 लीटर का है, 43 रूबल, 1.5 रूबल यानी 50-50 रुपए में 1.5 लीटर पानी। हथकुदा इंडिया, कुदा निज़्नी बेस्तियाक, निज़्नी बेस्तियाक पाका। रात के 10 बज चुके हैं और स्नो फॉल हो रहा है हल्का हल्का, आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं, लेकिन कोई कैफे में गाड़ी रुकी है। तो ये पूरा देखो कोलिमा हाईवे है, हम लोग कोलिमा हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, पूरा रोड ऑफ बोन्स है। इस हाईवे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ कल मॉर्निंग में बताऊंगा, रात में नहीं बता रहा हूँ। स्नो फॉल हो रहा है भाई, स्नो फॉल यहाँ देखो ना भाई, तुम्हारे सर में भाई पूरा स्नो है भाई, सही बताओ और क्या, ये देखो भाई ये देखो अभी, अरे हाँ अरे हाँ। सो गाइस ये रोड ऑफ बोन्स हाईवे पे कोलिमा हाईवे पे कैफे पड़ा है यार, ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि इतना बढ़िया कैफे यहाँ पे। इंडिया साखर पब्लिक यकूतिया टूरिस्ट दा पाका। बहुत सारे लोग यार इंडिया सुनते ही खुश आते हैं, ऐसा रिएक्शन आता है वाओ इंडिया। अभी सारे यहाँ पे ड्रिंक है, फ्रूट के ड्रिंक है, तो देखो यहाँ पे हर टाइप का मीट मिल रहा है, चिकन है, फिश है, हॉर्स मीट है, फिश मीट है। क्या है भाई हाँ। यहाँ पे चिकन ना फ्रेश नहीं होते, अच्छा यहाँ पे पूरा पूरा फ्रोजन है, जहाँ पे हो क्या क्या उम्मीद करो, फ्रेश खाना, हॉर्स मीट खाओ। और इतने सारे आइटम में 2-3 आइटम वेजिटेरियन भी होगा, तो भाई मैंने ये 3 आइटम लिया खाने के लिए। स्कूल का रूबले 160, ओके। पिरुष्की लिया हूँ, कार्तुष्का पिरुष्की, ये क्या है भाई, ये है पोटैटो और वेजिटेबल वाला कुछ पकौड़ा टाइप का होता है, ये बकवीट है, बकवीट बकवीट इसको लोकली बोलते हैं ग्रेचका, और ये बेरी जूस आपने भाई, लेग पीस लिया, लेग मजबूत करो और बेरी जूस, ओके। ये इस कैफे का एक्सटीरियर है देखो, ये यकूतियन सेंटा है, इनको यकूतियन सेंटा बोला जाता है। Oh my God! टायर फ्लैट हो चुका है। So guys, very good morning from साखर रिपब्लिक। अगला दिन हो चुका है, कल रात अराउंड
7 बजे हम लोग जर्नी शुरू किए थे याकूत से, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। लगभग 15 घंटे हम लोग ड्राइव कर चुके हैं रोड ऑफ बोन्स पे, कोलिमा हाईवे पे। 1000 किलोमीटर से लगभग 800 किलोमीटर लोग ड्राइव कर चुके होंगे, 200 किलोमीटर बाकी है अभी जहाँ लोग जा रहे हैं उमियाकॉन। हम लोग की देखो ये गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। 1000 किलोमीटर का लगभग 700 से 800 किलोमीटर तो रास्ता कोलिमा हाईवे पे यानी रोड ऑफ बोन्स पे है। उसके बाद उमियाकॉन क्योंकि विलेज है, कोई टाउन नहीं है, गांव है, हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ता 200 से 300 किलोमीटर ना रोड ऑफ बोन्स से कोलिमा हाईवे से अंदर हट जाता है, अंदर की तरफ कट जाता है। इन ईयर 2020 आज लगभग 3 साल पहले 2 रशियन ट्रेवलर्स उमियाकॉन जा रहे थे और इसी रोड पे, क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, ये अंदर रास्ता तो कटा हुआ है, शॉर्टकट है, वो रास्ता है, उनकी गाड़ी खराब हो गई और आसपास कोई भी लोकेलिटी नहीं है। जब से नींद खुली सुबह 6 बजे से 10 बज चुका, 4 घंटे से कोई फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो उन लोग कोई से कांटेक्ट कर नहीं पाए, आसपास कोई दिखा नहीं, फिर कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि मिनिमम 2 गाड़ी एक साथ लेके चलते हैं, चलो कभी एक गाड़ी ख़राब भी हो गई तो दूसरी गाड़ी के थ्रू काम चल जाएगा। तो हमारे भाई साहब जो है ड्राइवर भाई साहब है, ये वायरलेस ट्रांसमीटर लेके चल रहे हैं, हर आधे घंटे में कोई इनके पास सिग्नल आ रहा है कहीं से कि भाई सब ठीक तो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कभी गाड़ी ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, फंस जाए, क्योंकि फ़ोन का नेटवर्क तो है नहीं, तो उनके ये वायरलेस ट्रांसमीटर से बात कर सकेंगे, कोई आगे शायद हेल्प कर सके। तो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी लोग की यहाँ डेथ हो चुकी है पहले भी। ईयर 2020 तक ना ये रास्ता गूगल मैप्स पे दिखाया करता था, फिर जब 2 रशियन ट्रैवलर्स की यहाँ पे डेथ हो गई ना, तो गूगल मैप्स ने ये रास्ता दिखाना बंद कर दिया। अब पूरा हाईवे से बहुत ही लंबा रास्ता दिखाता है उमियाकॉन जाने का। बट जो यैंडेक्स मैप है, आप लोग बहुत लोग में भी जानते होंगे, रशिया में गूगल मैप्स उतना अच्छा काम नहीं करता, यैंडेक्स मैप ज़्यादा अच्छा काम करता है। यैंडेक्स मैप में अभी भी ये रास्ता दिखाता है। जब उमियाकॉन से हम लोग बाहर निकलेंगे दोबारा फिर रोड ऑफ बोन्स में आएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, गूगल पर टेम्परेचर दिखा रहा है भाई -45 के आसपास, रशियन एप्लीकेशन में -50 के ऊपर दिखा रहा है। रात में मैं कुछ शूट कर नहीं पाया, रोड बीच में कुछ जो स्मॉल टाउन्स आ रहे थे वहाँ रोड थोड़ी सही थी, उसके अलावा पूरी रोड ख़राब थी, बार बार बहुत ज़्यादा कार हिल रही थी, पूरी बर्फ़ की रोड है, देख सकते हो पूरा ये स्नो है, आइस है, हम लोग इसके ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं पिछले 15 घंटे से बर्फ़ के ऊपर। उसके अलावा पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, कई सारे माउंटेन आ रहे थे, कई सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप आ रहा था, अलग अलग टाइप के ट्रीज आ रहे थे, छोटे छोटे ब्रिजेस आ रहे थे, फ्रोजन लेक आ रही थी, फ्रोजन रिवर आ रही थी। अभी जो टायर पंचर हुआ है, तो टायर भाई 15-20 मिनट चेंज कर लेंगे, मान लो इसी सिचुएशन में गाड़ी ख़राब हो जाए, हम लोग के पास अगर वायरलेस ट्रांसमीटर ना हो, फोन इंटर तो है, हम लोग कहीं जम जाएंगे भाई, जब गाड़ी ख़त्म, पेट्रोल ख़त्म, तो भाई टाटा बाय बाय, टाटा फिनिश। आप लोगों को रोड ऑफ बोन्स कोलिमा हाईवे के बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन पूरा रास्ता तो भाई रात में ही निकल चुका है, आपको दिखा नहीं पाया। उमियाकॉन से जब निकलेंगे दोबारा, फिर जब दिन के टाइम पे रोड ऑफ बोन्स में आएंगे, तब आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है रोड ऑफ बोन्स के बारे में, क्योंकि इसका नाम जितना सुनने में खतरनाक है, उतना ही एक्चुअल ये हाईवे खतरनाक है। अब ये रास्ता आप गूगल मैप्स पे देखोगे, ये रास्ता आपको गूगल मैप्स पे अब नहीं दिखेगा। पूरा रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान था कल रास्ते कि एक दो घंटे तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, समझ लो एक दो घंटे के बाद कोई गाड़ी दिख रही, कोई ट्रक दिख रहा है। बट लकली अभी कुछ लोग दिख गए हैं, 2 लोग कोई गाड़ी से आया है, देखो कुछ लकड़ी वगैरह लेके आया है, वुड, कुछ ट्रैक्टर एक्चुअली वो ट्रैक्टर वुड लेके आया है, तो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ये पूरा रीजन इतना डेडली रीजन है कि कोई अगर इंसान मुसीबत में फंसा है, कोई अगर उसे दिख गया, उसकी हेल्प करके ही जाता है बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते। तो 2 लोग अचानक से आए हैं, कुछ जान पहचान नहीं है, लेकिन पूरी हेल्प कर रहे हैं टायर चेंज करने में। हाँ भाई बच गए, बस कोई तरह, समझो ऐसे गाड़ी अगर खराब हो जाती है, एसी वही चला जाता है तो क्या करेंगे, गाड़ी पंचर है तो बचे हुए, गाड़ी खराब हो जाए, कोई मिल नहीं रहा है, मामला खत्म से खत्म। दोबरा उतरो, दोबरा उतरो, दोबरा खराश हो अति खराश था। 6 बजे उठ गया था, राउंड 9 बजे के आसपास यहाँ पे सनराइज हुआ, अभी 10 बज रहे हैं, 1 घंटे पहले यह सनराइज हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज था, पहाड़ों के पीछे से सनराइज धीरे धीरे हो रहा था और एक साइड सन दिख रहा था, एक साइड मून दिख रहा था, दोनों बहुत ही प्यारा लग रहा था। विष्णु मीने जावूत तोर वशु, तोर वशु, तोर वशु दा ककौ जावूत कात्या, कात्या कतरीना दा। मैं श्योर नहीं हूँ कि इनको इन्होंने ट्रांसमीटर से बुलाया है कि अपने से आए हैं।
क्या होगा पता नहीं, जो भी हो। देखो बर्फ पर चलने के लिए टायर के ऊपर चेन लगी हुई है, लेकिन बर्फ पर इसलिए चल सके, दोनों टायर पर चेन लगी हुई है। अभी तुम मैंने देखा नहीं, अभी पता चला मेरे भाई मुंह में बर्फ जम रही है। तो हम लोग 15 घंटे में 750-800 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, अभी 250 किलोमीटर बाकी है, आई थिंक दोपहर तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद कौन गाड़ी फाइनली बन चुकी है। And just Ushugay. Village name Ushugay. Tomtor. Ushugay, Tomtor, Omiakon. Yes. Yeah, next right. Location, Tomtor. Right, right. Omiakon se second last village mein hai, just Ushugay. इसके बाद तोमतोर विलेज आएगा, फिर ओमियाकॉन विलेज आएगा। ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं समझ लो, आई थिंक 70-80 किलोमीटर बचा होगा। तो विलेज देखो, पूरी ये विलेज लोकेलिटी है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर लकड़ी के बने हैं, वुडन घर हैं। देखो इंसान नहीं दिख रहा है, बस घर दिख रहे हैं, सब घर के अंदर ही होंगे, बस हमारे गाड़ी के इंसान दिख रहे हैं बस यहाँ पे, ये देखो। और इस गाड़ी के सारे शीशे जैसे कि साखर रिपब्लिक में होते हैं, सारे शीशे डबल लगे हैं। ये देखो शीशे के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर एक विंडशील्ड और लगा हुआ है, डबल है, ये भी डबल है। सारे शीशे ये देखो अलग से लगाया गया है टेप से, सारे शीशे एक के ऊपर एक डबल लगाए गए हैं, हर तरीके से पैक है। अगर डबल नहीं करेंगे तो भाई गाड़ी मिनट में अंदर फ्रीज हो जाएगी शीशे के थ्रू। याकुत से ओमियाकॉन अराउंड 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर का इन लोगों ने पर हेड लिया है हम लोगों से 10,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये पर किलोमीटर का, 12 रुपये। और इसका आपको बुक कैसे करना है, बुक करने कई तरीके हैं। आप अपने जहाँ पे हॉस्टल या होटल रुके होगे आप उनसे बुक कर सकते हो, या कोई ट्रैवल एजेंसी से बुक कर सकते हो। गाड़ी डेली नहीं जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन आती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जाते हैं, ओमियाकॉन कोई जाता ही नहीं है। या कुछ जितने लोग मिले ना, किसी ने नहीं बोला कि हम लोग ओमियाकॉन गए हैं, जितने सवारी गाड़ी में है सब ओमियाकॉन के रेसिडेंट ही हैं। तो सिर्फ ओमियाकॉन के ही लोग जाते हैं या फिर टूरिस्ट जाते हैं, तो गाड़ी डेली नहीं जाती है, जब फुल होती तभी जाती है दूसरे तीसरे दिन। बिहाइंड द सीन टू वशु भाई, देख लो ऐसे वीडियो बनाते हैं। भाई ग्लव्स लगाना भूल गया, हाथ पत्थर, मेरे में तो ये है, देख हाथ पत्थर हो चुका है, पहन के आ जाओ भाई। अगर आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतने एक्सट्रीम विंटर में, इतने एक्सट्रीम ठंड में, इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लोग रहते हुए क्यों हैं, तो इसका कई सारे रीजंस है। पहले के टाइम से लोग रहते हुए आ रहे हैं, प्लस प्रेजेंट टाइम पे ये पूरा एरिया, पूरा साखा रिपब्लिक, पूरा साइबेरिया बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी माइनिंग्स होती हैं, यहाँ पे अलग अलग मेटल्स की होती हैं, गोल्ड की होती है, डायमंड की होती है। तो आसपास पूरे एरिया में बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज है, उस वजह से भी यहाँ पे लोकेलिटी छोटी छोटी लोग रहते हैं यहाँ पे।